हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू मैच। आज का मैच होने वाला है भाई टीम रॉक वर्सेस टीम ब्रॉक के साथ। भाई दोनों रॉक और ब्रॉक के साथ होने वाला, क्योंकि भाई आप लोगों को जैसे कि पता है कि टीम रॉक बहुत ही खतरनाक अनडिफिटेड चल रहा है इस मैचेस के टीम मैचेस में। तो देखना होगा क्या आज टीम ब्रॉक इस अनडिफिटेड सीरीज को ब्रेक करता है या फिर द रॉक एक और अनडिफिटेड सीरीज का एक स्टेप आगे जाएगा। तो भाई जब तक मैच चालू हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार सारा वीडियोस मिस कर पाओ। और यहाँ पे ऑटन और ब्रॉक लेसनर आया भाई साहब यहाँ पे स्टार्टिंग करने, और स्टार्टिंग ही में हम लोग को लग रहा था कि ऑटन यहाँ पे आरकेओ ट्राई ऑन करेगा, पर भाई ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे बाजी मार लिया। सीधा सीधी ब्रॉक लेसनर ने आते ही फाइव से शुरुआत करते हुए सीधा सीधी ऑटन को, और भाई द रॉक आते ही बीच में इंटरफेरेंस किएगा और द रॉक को भी भाई साहब यहाँ पे F5 का चटकारा मिलते हुए यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की तरफ से। भाई ब्रॉक लेसनर तो काफी खतरनाक बीस्ट मोड पे आ ही चुका है। भाई लग रहा है आज का मैचेस में ना द रॉक का अनडिफिटेड जो सीरीज है ना वोला टाइटल आज छिड़ाने वाला है, और ब्रॉक लेसनर शायद कॉम्बिनेशन मैचेस में हम लोग को देखने मिलने वाला। पर लेट्स सी, शायद कुछ भी अनडिफिटेड हो सकता है और भाई कुछ भी अतरंगी सा हो सकता है मैचेस में, जैसे कि आप लोग को पता है 2v2 में क्या ही सीन होता है। और भाई ब्रॉक लेसनर आते ही सीधा 2F5 और एक सबमिशन के बाद सीधा सोलो सिकाओ को टैग दे दिया, और सोलो सिकाओ भाई साहब आते ही सीधा सीधी एक और इनकमिंग फिनिशर वो भी ऑटन को। भाई ऑटन तो आज काफी खतरनाक ही सभी तरफ से पकड़ा गया, और यहाँ पे लगता है मेरे को आज से सुपर फिनिशर लगाया भाई साहब। सोलो सिकाओ तो फुल पागल हो चुका है, भाई सोलो सिकाओ आते ही सुपर फिनिशर लगा दिया डायरेक्ट। मेरे को लगा था कि भाई फिनिशर लगाएगा, पर भाई आते ही सुपर फिनिशर। मेरे को लगता है कि ऑटन ही से सभी लोग का दुश्मनी था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी आते ही साथ ही F5 लगाया और भाई सोलो भी आते ही साथ फिनिशर मूव लगाया, वो भी सीधा सुपर फिनिशर। और देखना होगा भाई द रॉक किस तरीके से कम बैक करता है, क्योंकि भाई अनडिफिटेड का नाम इतना जल्दी तो लोग डूबने देगा नहीं। यहाँ पे द रॉक को कुछ तो बढ़िया कमाल दिखाना पड़ेगा, और फिनिशर मूव है तो भाई कमाल दिख सकता है। और भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधी एक रॉक बॉटम इनकमिंग पड़ते हुए द रॉक की तरफ से, पर एक रॉक बॉटम से कुछ नहीं होगा। द रॉक यहाँ पे लगातार तीनों रॉक बॉटम पढ़ना पड़ेगा या फिर पीपल्स एल्बो, दोनों में से एक चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा। और भाई साहब द रॉक फुल ऑन रेडी है, क्योंकि भाई ऑटन का बदला इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है द रॉक। और भाई साहब यहाँ पे सीधा पीपल्स एल्बो, और अगर यहाँ पे सोलो सिकाओ रिवर्सल कर दिया तो, पर नहीं 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 बच गया भाई, सोलो सिकाओ रिवर्सल नहीं किया। मेरे को लगा कि रिवर्सल हो गया था भाई द रॉक का तो फिर भाई फुल एंड ही है, फिर ये मैचेस विन करने के लिए तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। पर भाई द रॉक का पीपल्स एल्बो भी कनेक्ट होते हुए तो एक फिनिशर मूव का एडवांटेज लास्ट बचा, और भाई साहब यहाँ पे ये फिनिशर मूव भी शायद इनकमिंग यूज करने वाला है। रॉक बॉटम इनकमिंग एक और पड़ते हुए शायद सोलो सिकाओ एलिमिनेट होगा, क्योंकि भाई उसके पास हेल्थ का एडवांटेज तो बचा नहीं है। जिस तरीके से रॉक बॉटम पे रॉक बॉटम पड़ा और पीपल्स एल्बो, तो भाई आखिरकार द रॉक इस चीज का जो दुश्मनी था वो निकाल चुका है, क्योंकि भाई दोनों तरफ एक एक एलिमिनेशन हो चुका है, तो सिचुएशन दोनों तरफ का हो चुका है सेम टू सेम। अब देखना होगा भाई द रॉक वर्सेस ब्रॉक लेसनर के ऊपर गेम है। और भाई साहब यहाँ पे एक चीज और बढ़िया चीज क्या है पता है, यहाँ पे फिनिशर मूव भी दोनों का सेम है और भाई हेल्थ भी सेम है, तो भाई यहाँ पे दोनों चीज भी सेम है। तो भाई अब यहाँ से जो मैच निकालेगा ना वो टीम विन करेगा, क्योंकि भाई उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होगा, ना कि वो उसके पास ज्यादा फिनिशर था ना उसके पास ज्यादा फिनिशर था, दोनों के पास सेम सिचुएशन है। तो भाई अब दोनों को सेम सिचुएशन में किस तरीके से कम बैक करता है वो देखना हो। और यहाँ पे रॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, और भाई साहब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सीधा सीधी सुप्लेक्स सिटी, भाई साहब सीधा ट्रिपल सुप्लेक्स। भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पे फुल चार्ज्ड अप हो चुका है, और भाई यहाँ पे सिग्नेचर मूव यहाँ पे यूज किया जाएगा, सीधा सीधी ट्रिपल सुप्लेक्स सिटी पड़ते हुए यहाँ पे द रॉक को। भाई द रॉक यहाँ पे कम बैक करने की कोशिश करे, और भाई साहब कम बैक करते हुए मेरे को तो लग रहा था भाई द रॉक का जिस तरह कैसा हेल्थ है ना भाई, ब्रॉक लेसनर बहुत ही ज्यादा ही अभी उसको और टोचन देने वाला है। और ब्रॉक लेसनर का एक हाई फ्लाइंग मूव, और यहाँ पे द रॉक काफी खतरनाक तरीके से कम बैक कर चुका है, और ब्रॉक लेसनर को शायद रॉक बॉटम इनकमिंग पड़ सकता है। ब्रॉक लेसनर के पास भी दो फिनिशर मूव है, पर भाई यहाँ पे एडवांटेज पे द रॉक लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा सीधा पीपल्स एल्बो इनकमिंग यहाँ पे लगते हुए ब्रॉक लेसनर द बीस्ट को सीधा सीधी पीपल्स एल्बो और पिन आउट का कोशिश होगा। लेट्स सी क्या पिन आउट यहाँ पे कामदायक हो सकता है इस मैचेस में के लिए, और यहाँ पे पिन आउट ब्रेक करते हुए। अब मजेदार बात यह है कि भाई द रॉक का फिनिशर सारा खत्म हो चुका है, अब जो एडवांटेज है ना वो ब्रॉक लेसनर के पास है। तो अब द रॉक फुल ऑन ट्राई करेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर उठ के तो फिनिशर ना लगा पार भाई, पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। और ब्रॉक लेसनर उठते ही सीधा F5 के लिए गया, और सीधा F5, और रॉक का जिस तरीके से हेल्थ है ना भाई, ज्यादा देरी तक ये सर्वाइव करने वाला रहने वाला है नहीं। और यहाँ पे दो काउंटर पर यहाँ पे रेजिलेंस मूव था,
तो उस चीज से सर्वाइव करते हैं। पर भाई ब्रॉक लेसनर को भी पता है कि यहाँ पे द रॉक ज्यादा देरी तक टिकने वाला नहीं है, पर भाई अगर द रॉक हेल्थ रिकवरी कर लिया ना तो भाई चांसेस बढ़ सकता है कि ब्रॉक लेसनर को भी हरा सकता है, पर यहाँ पे हेल्थ जब तक का नहीं है तो भाई ये चांसेस ही रहेगा। और ब्रॉक लेसनर को भी पता है तो फुल फ्लेक्सिंग चलते हुए, और ब्रॉक लेसनर के पास एक और चीज का एडवांटेज क्या है पता है, यहाँ पे फिनिशर मूव भी है ब्रॉक लेसनर के पास, तो वो देखना होगा भाई, वो अगर लगेगा तो भाई द रॉक का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो भाई साहब कमबैक करके मैच विन कर जाए। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर सीधा सीधी इनकमिंग है भाई, भाई अब तो एंड है भाई, अब तो द रॉक उठने वाला ही नहीं है, रेजिलेंस लगाओ या फिनिशर लगाओ भाई। ब्रॉक लेसनर का ये लास्ट फिनिशर भाई, ब्रॉक लेसनर बहुत ही अच्छा तरीके से स्ट्रैटेजी से सेव करके रखा था, तो भाई ये इसको गेम चेंजर बनाएगा और ब्रॉक लेसनर का टीम को विन करेगा। और जो भाई द रॉक का टीम का अनडिफिटेड सीरीज चल रहा था उस अनडिफिटेड सीरीज को ब्रेक करेगा और यहां से आने वाला है ब्रॉक लेसनर टीम का कंटेंट। तो भाई अगर नेक्स्ट टीम आप लोग का है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपन नेक्स्ट टीम उसके ऊपर बना देंगे वीडियो। तो यहां तक अगर देखिए तो भाई वीडियो वो बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दिया किस तरीका था वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बताया जाए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।